हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स। डिफरेंशिएशन के हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और इस आज के एप्लीकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो है अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन। ये एक कैलकुलेशन पर बेस्ड है जो हम कैलकुलस के हेल्प से करेंगे किसी भी नंबर के पावर को। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग टाइप का है, बहुत ध्यान से समझना। बस इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपने एक दो क्वेश्चन यदि अच्छे से कर लिया तो पूरे क्वेश्चन उसी तरह से बनेंगे, मेथड में कोई चेंज नहीं। आप दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो भी उतने ही आप सीख पाओगे, 10 करोगे तो भी उतने कर पाओगे, मेथड वही होगा लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होंगे। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को अप्रोक्सीमेशन समझा रहा हूँ और सेकंड पार्ट में इसके जो वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हम उसके एरर त्रुटि निकालते हैं वो पढ़ेंगे। तो दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। आज के पार्ट में हम न्यूमेरिक वैल्यू पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और सेकंड पार्ट में हम इसके वर्ड प्रॉब्लम पर, मतलब शब्दों के कथन पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। ओके, चलिए देखिए। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेके आपको इसको मेथड को समझा रहा हूँ। सपोज मैं एक क्वेश्चन लिया 25 टू द पावर 1/3। ये क्वेश्चन है हमारा 25 का होल पावर 1/3। ये हमको वैल्यू फाइंड करना है। देखो 25 का पावर 1/3 देखने से ही लगता है कि इसका वैल्यू निकालना बहुत कठिन है, लेकिन हम कैलकुलस के हेल्प से, डिफरेंशिएशन के हेल्प से इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हमको देखना है। ओके, तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में आप स्टेप बाय स्टेप पूरे स्टेप को ध्यान से समझना तो आपको एक ही क्वेश्चन में पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिंगल क्वेश्चन सफिशियंट है, हालांकि मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन एक क्वेश्चन से आपको मैं पूरी बात समझा दूंगा। थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले ये जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है 25, ये 25 जो वैल्यू है तो उसका पावर 1/3 है। तो सन्निकट अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है आसपास का, सन्निकट माने पास का, अप्रोक्स मतलब आसपास का वैल्यू, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये सोचो कि 25 के आसपास ऐसा कौन नंबर है जिसका हम पावर 3 लिख सकते हैं, जिसको हम पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो नेचुरली सबसे पहले क्या सोचना आप समझ में आ गए, 25 के आसपास सन्निकट ऐसा कोई वैल्यू आप सोचो जिसको हम उसके पावर के 3 में लिख सकें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पावर 1/3 है और यदि हम उसके पावर को 3 में लिख लें तो 3 1/3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। तो नेचुरली आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो यह चीज़ आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखने का तरीका आप सबसे पहले समझ लो कि हम मान लेंगे, लेट मान लिया y इक्वल 25 टू द पावर 1/3 हमने सपोज कर लिया। लेट y इक्वल टू x टू द पावर 1/3। अब x टू दी पावर 1/3 हमने सपोज किया और मैंने बोला कि आसपास के वैल्यू को अपने को जिसका पावर 3 लिखा जा सके सपोज करना, जो यहाँ पर 27 है। तो हियर x इक्वल सपोज 27। देयरफॉर अब यहाँ पर क्या लिखना है कि x इक्वल टू 27 हमने सपोज कर लिया तो वह 25 से कितना कम या ज़्यादा है ये हमको लिखना है, जिसको हम डेल एक्स कहेंगे, ठीक है, जिसको हम डेल एक्स कहेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं देयरफॉर डेल एक्स इक्वल, तो डेल एक्स का वैल्यू क्या होगा, 25 माइनस 27 दैट इक्वल -2। एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझते जाना, मैं बार बार एक बात आपको रिपीट कर रहा हूँ, वन क्वेश्चन इज सफिशियंट, एक प्रश्न ही पर्याप्त है आपको समझने के, यदि आपने ढंग से समझा है तो। दूसरा तीसरा चौथा सवाल आप एक तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इसको x सपोज कर लिया और डेल x का वैल्यू फाइंड कर लिया,
25 माइनस 27 माइनस 2 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर ये वाला स्टेप आप ध्यान रखना, ये फार्मूला के फॉर्म में जो मैं स्टेप आपको लिख रहा हूँ वो इस फॉर्म में याद रखोगे, डेल वाई का, डेल वाई ये रेड इंक से लिख रहा हूँ, वो हर जगह काम आएगा, उसको हर जगह फार्मूला के फॉर्म में यूज़ करना है। तो डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स टू दी पावर, यहाँ पर 1/3 है तो 1/3 और माइनस माइनस एक्स टू दी पावर 1/3, ये वैल्यू आपको लिखना है। डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस एक्स टू दी पावर 1/3। एक्स प्लस डेल एक्स मतलब उसमें कितना वेरी होता है, और एक्स टू दी पावर 1/3 हमने यहाँ पर वाई को सपोज किया है। दैट इक्वल, यहाँ पर इसको हम वैल्यूज पुट अप कर दें तो एक्स का वैल्यू क्या है अपने पास, 27 है, दैट इक्वल 27 प्लस डेल एक्स कितना है माइनस 2, तो मैं यहाँ पर इसको सीधा माइनस 2 ही लिख देता हूँ, 27 माइनस 2 टू दी पावर 1/3 माइनस एक्स हमने सपोज किया है किसको, 27 को, तो 27 टू दी पावर 1/3, क्लियर। इतना वैल्यू पुट अप करना, समझ में आ गया आपको, हमने एक्स 27 को सपोज किया, इसका वैल्यू पुट अप कर लिया, दैट इक्वल ये हो जाएगा 27 माइनस 2 मतलब यह हो गया 25 टू दी पावर 1/3 और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 का होल पावर 1/3, इसीलिए हमने इसको कंसीडर किया है। ओके, दैट इक्वल इसको वैसे ही रहने दो, 25 टू दी पावर 1/3 माइनस ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3। अब इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर दो तो देयरफॉर हमको ये मिल जाएगा 25 टू दी पावर 1/3 इक्वल उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल वाई प्लस 3, सपोज दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से 25 टू दी पावर 1/3 जिसका हमको अप्रोक्सीमेशन करना है, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, ये हम उस फॉर्म में ला के उसको रिलेशन फर्स्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो, सिंस अब हमको पता है कि डेल वाई क्या होता है, नियरली इक्वल टू डी वाई के इक्वल होता है, कैलकुलस में डेल वाई को हम डी वाई भी लिख सकते हैं, तो चूंकि डी वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स और इंटू डेल एक्स, ये अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला है, आप समझ लो, जिसको हम कैलकुलस के लैंग्वेज में लिख सकते हैं डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, सिंस डेल वाई इज नियरली इक्वल टू डी वाई, दैट इम्प्लाइज, अब आगे इसको हम सॉल्व करें, दैट इम्प्लाइज डी वाई इक्वल डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, तो वाई का वैल्यू हमने क्या सपोज किया है, एक्स टू दी पावर 1/3, एक्स टू दी पावर 1/3 और इंटू डेल एक्स, दैट इम्प्लाइज डी वाई इक्वल, यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1, तो 1/3 माइनस 1, 3 एलसीएम आएगा, 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2/3, जिसको मैं नीचे लिख लिया माइनस करके, तो एक्स टू दी पावर हो जाएगा 2/3 इंटू डेल एक्स, इस फॉर्म में हम ले आएंगे। अब यहाँ पर हमने जो जो वैल्यू फाइंड किया है वो वैल्यू को अपन पुट अप कर देंगे, क्या क्या वैल्यू हमने फाइंड किया है, देखो डेल एक्स का वैल्यू फाइंड किया है ये माइनस 2 है, क्लियर। एक्स का वैल्यू अपने को पता है कितना 27, तो इसका वैल्यू को पुट अप करो, दैट इम्प्लाइज डी वाई इक्वल 1/3 इंटू एक्स का वैल्यू 27 टू दी पावर 2/3 इंटू माइनस 2, दैट इम्प्लाइज डी वाई इक्वल, यहाँ पर 3 का पावर 3 लिख सकते हैं और 3 इसके साथ में कैंसल आउट हो जाएगा, तो जाएगा 1/3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू माइनस 2। ओके, देखिए यहाँ तक समझिए, डी वाई का वैल्यू निकालने के बाद वैल्यू कितना आता है इसका, टू पॉइंट नाइन टू आया है आंसर,
ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसका। मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करके बता दूंगा, आप लोग को मैनुअल डिवाइड करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कई जगह लेंदी होता है। चलो आगे इसको एक बार और मैं कॉपी करता हूँ। डी वाई इक्वल देयर फोर डी वाई इक्वल माइनस क्या है एक बार देख लें, माइनस टू अपॉन थ्री का स्क्वायर 9 और 3 जा 27, माइनस टू अपॉन 27 माइनस टू अपॉन 27। Therefore, dy को हम del y भी लिख सकते हैं, तो del y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहा हूँ, आप लोग को तो यहाँ पर मैनुअल डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं 2 डिवाइड कर दूँ कैलकुलेटर से, 2 डिवाइडेड बाई 27 आ जाएगा 0.074 आता है। ये आप लोग को डिवाइड करना है 2 में 27, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता एग्जाम में, मैं तो यहाँ कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। यहीं पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जहाँ आपको केयरफुली डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, सिंस फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट को देखो, फर्स्ट क्या है 25 to the power 1/3 इक्वल टू डेल वाई प्लस 3, क्लियर, तो क्या हो जाएगा 25 to the power 1/3 इक्वल क्या है डेल वाई प्लस 3 या 3 प्लस डेल वाई, दैट इक्वल डेल वाई का वैल्यू हमने निकाला है माइनस 0.074 प्लस 3। अब इसमें 3 में इतना हम माइनस कर दें, 3 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 0.074 इक्वल 2.296, दिस इज द आंसर 2.926 आ रहा है, सॉरी 2.926 ये इसका आंसर होगा। यही हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था 25 to the power 1/3 एक बार मैं मेथड को क्लियर करता हूँ और एक आध क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। थोड़ा बोरिंग वर्क है ये, कैलकुलस के हिसाब से बोरिंग वर्क है, क्योंकि यहाँ पर कई जगह जो कैलकुलस खासकर ये वाला स्टेप में जो आप करोगे वहाँ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या क्या किया हमने, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको ये लिख लिया वाई इक्वल टू एक्स टू पावर 1/3, फिर एक्स इक्वल 27 इसके हमने पास का वैल्यू ले लिया, ये रेडिंग से लिखा हूँ और ये रेडिंग से लिखा हूँ, ये आपको दो फार्मूला वाला स्टेप पर ध्यान रखना, डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस ये होगा, बाद में डेल वाई को हम डी वाई लिख सकते हैं और बाद में डी वाई को फिर डेल वाई, एक्चुअल में डेल वाई डी वाई सेम है, कैलकुलस के लैंग्वेज में लिखने के लिए हमने उसको इस तरह से लिखा है, डेल वाई नियरली इक्वल टू डेल वाई होता है डी वाई। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन में और बता दूँ तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इसको बार बार आप एक दो क्वेश्चन को रिपीट करके अच्छे से क्लियर कर लेना, बाकी डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है। इसके वर्ड प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है और ये तो सब ऐसे ही बनेगा। चलो एक आध क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ डेसिमल वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डेसिमल वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, 36.6 रूट ऑफ 36.6 इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है क्या होता है। ठीक है, तो कैसे मेथड अप्लाई करेंगे, देखो एग्जैक्ट उसी मेथड पर चलेंगे अपन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लेट क्या मानने के लिए बोला, लेट y इक्वल टू एक्स टू दी पावर, अब यहाँ पर रूट मतलब पावर 1/2, तो x टू दी पावर 1/2 वेयर, अब आपको बताना होगा x का वैल्यू, जहाँ पर x क्या है, तो मैं क्या बताया आपको कि इसके पास का कोई नंबर देखो जिसका
रूट निकाला जा सके, क्योंकि यहाँ पर अब 1/3 का मैटर नहीं है, अब 1/2 है ना, हर जगह 1/3 नहीं सोचना, फिर यहाँ पर 1/2। तो 36.6 के आसपास कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको पूर्ण वर्ग के रूप में होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सके। तो नेचुरली 6 का स्क्वायर 36, तो x को क्या अपन ले लेंगे, 36 ले लेंगे, x को 36 ले लेंगे, तो देयर फॉर फिर डेल x हमको निकालना होता है। डेल x कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 36.6 माइनस 36 इक्वल टू 0.6। ये है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आपको यहाँ पर निकालना होता है। तो x का वैल्यू निकालने के बाद डेल x का वैल्यू निकालना है, स्टेप क्लियर होते जा रहे हैं। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, डेल y का वैल्यू फाइंड करना है। सिंस डेल y, इसको तो मैं रेड से ही लिखूँ आपके दिमाग में वो बैठे बार बार, इसमें कुछ थोड़ी है, बस आपको ध्यान में रखना है। तो डेल y इक्वल टू क्या लिखना है अपने को, x प्लस डेल x का पावर यहाँ पर 1/2, क्योंकि रूट फाइंड करने वाले हैं, और माइनस x टू दी पावर 1/2। अब यहाँ पर इसको वैल्यूज पुट कर देते हैं, देयर फॉर डेल y इक्वल x का वैल्यू हमने क्या सपोज किया है, ये 36, ये हो गया 36 प्लस डेल x क्या है 0.6 टू दी पावर 1/2, क्लियर, और माइनस x सपोज किया है 36 को, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 36 का पावर 1/2। वैसे आप ध्यान से समझ रहे होंगे और स्टेप आपके दिमाग में क्लियर होगा, तो एक ही क्वेश्चन सफिशियंट है। दोबारा दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन बताता हूँ, मुझे खुद बोरिंग लगता है ये, बहुत मज़ा नहीं आता इसमें, क्योंकि वही काम है उसमें, सिर्फ वही काम है हमेशा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज डेल वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा 36.6 का पावर 1/2, और माइनस इसको हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया डायरेक्ट 6। अब यहाँ से देयरफॉर फिर मैंने क्या बताया था कि इसका वैल्यू फाइंड करके रखना है अपने को, 36.6 का पावर 1/2 इक्वल, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल वाई प्लस 6। आपको पता है बाद में इसी में हमको वैल्यू पुट अप करना है, इसको हम रिलेशन फर्स्ट देते हैं जो हमारा क्वेश्चन बन जाता है, यहीं पर हम डेल वाई का वैल्यू को निकालेंगे, वहाँ पर पुट अप कर देंगे। तो अब इसके बाद क्या, कौन सा फार्मूला लिखेंगे अपन, डिफ्रेंशिएशन वाला, क्या कि सिंस डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, क्लियर, ये हो जाएगा दैट इंप्लाइज डी वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, और वाई हमने सपोज किया है कि इसको एक्स टू द पावर 1/2 को, तो यहाँ पर हम उसका वैल्यू पुट अप कर देंगे, एक्स टू द पावर 1/2 और इंटू डेल एक्स, तो डेल एक्स रहेगा। दैट इम्प्लाइज अभी वैल्यू पुट अप करेंगे उसका, डी वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2, और एक्स टू द पावर माइनस 1/2 होगा, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2, नीचे लिख दिया उसको, और इंटू डेल एक्स का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब डेल एक्स का वैल्यू ये है अपने पास 0.6, ये डेल एक्स का वैल्यू है। दैट इम्प्लाइज डी वाई इक्वल 1/2 इंटू एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना है 36, ये हम लिख देंगे 36 टू दी पावर 1/2 इंटू 0.6। देयरफॉर डी वाई इक्वल यहाँ पर 1/2, ये 6 का स्क्वायर है, इसके साथ 2 के साथ कैंसिल आउट होगा, और ये हो जाएगा 6, 2 इंटू 6 और इंटू 0.6, ओके। देयरफॉर डी वाई इक्वल टू डी वाई इक्वल, इसको हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 0.6 अपन 2 इंटू 6, 6 10 हो जाएगा, 10 में 2 डिवाइड होएगा 0.05, ये हो जाएगा 0.05। देयरफॉर इसी को हम डेल वाई भी लिख सकते हैं, डेल वाई इक्वल टू 0.05, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट में हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या है देखो, ये 36.6 टू द पावर हाफ इक्वल टू डेल वाई प्लस 6, 36.6 टू द पावर हाफ इक्वल टू डेल वाई प्लस 6, दैट इक्वल डेल वाई का वैल्यू ये हो गया 0.05 प्लस 6, दैट इक्वल 6.05, दिस इज द आंसर। देखो हालांकि ये बहुत लेंदी वर्क होता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है
इसमें हम किसी भी वैल्यू के 1/3 पावर 1/2 पावर को निकाल सकते हैं, लेकिन इतना लेंदी वर्क करते तक तो मैथमेटिक्स में बहुत सारा वर्क किया जा सकता है ना। तो ये है हम लोग अप्रोक्स, इसका नाम ही है सन्निकट। सन्निकट मतलब आसपास, आसपास का अप्रोक्सीमेशन। तो ये है हमारा मेथड। कितना आंसर आ गया इसका, बुक से टैली कर लें एक बार, 6.05। ओके करेक्ट, ये सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। तो यही है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आपको बना बना के देखना है। आज बहुत सारे क्वेश्चन के इसमें मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट जो लेके आऊँगा उसमें वर्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को दे दूँ, एक आध क्वेश्चन और देखें, चलो एक आध क्वेश्चन और बताता हूँ, तो उसके बाद आप लोग को कंप्लीट हो ही जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे इतने में प्रैक्टिस हो गई होगी मुझे पता है, मेथड आपको दिमाग में बिठाना है बस। एक आध क्वेश्चन, सब क्वेश्चन तो वही वही लगते हैं, क्या बताएं इसको। एक काम करिए, इसको आप लोग को वर्क दे रहा हूँ मैं इस मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसको आप लोग बनाना 25.3 का रूट, चलिए इसका आप लोग बनाना और उसको प्रैक्टिस करना। नहीं बनेगा तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखना कि सर इसका क्वेश्चन और बता दो। 25.3 रूट ऑफ 25.3 निकालना। अब क्या रखा है, 25.3 रूट 5, एक्स को 5 सपोज करोगे और 25.3 में 25 माइनस करोगे तो डेल एक्स का वैल्यू, मतलब वही काम है, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता इसमें। रूट ऑफ 0.6, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अननेसेसरी वैसी वैसी क्वेश्चन दे दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। 0.009 का पावर 1/3 ये है। आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन खुद होगा, बना लेना उसको। 0.999 का पावर 1/10, 0.999 का पावर 1/10। अब यहाँ पर 1/10 देख के परेशान मत हो जाना, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका पावर 10 करने पर, जिसका पावर 10 करने पर वो वही आए, तो 1। इसके पास में नंबर कौन सा है, 1। 1 का पावर 10 करोगे 10 आएगा, 10 उसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको थोड़ा हिंट देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन में आपको x को क्या लेना है, 1 लेना है, ठीक है। x का वैल्यू को 1 लेना है, therefore del x जब आप निकालोगे तो 0.999-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0-0.1 ये हो जाएगा, क्लियर। तो ये बन जाएगा आपका, उसको देख के परेशान मत होना कैसे बनेगा। इसमें से माइनस करेंगे 0.999 तो कितना आएगा, 0.999 में माइनस करेंगे तो 0.001 आएगा, सॉरी 0.001 आएगा, तब तो इसके साथ ऐड करेंगे, इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो 1 बनेगा। तो ये समझ जाना, ये सब क्वेश्चन आप बनाओ, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, इसके बाद आगे तो बन जाएगा ये। इसका हिंट इसलिए दे दिया मैं आपको क्योंकि ये देख के कई लोग परेशान हो सकते हैं, पावर 1/10 है तो कैसे करें। तो x का वैल्यू 1 लेना है, यहाँ पर डेल x का वैल्यू इतना आएगा और आगे का प्रोसेस सेम टू सेम जैसा मैंने बताया है, ओके। तो ये आप लोग इसको करिए, इस एक्सरसाइज में मैंने आपको वर्क दिया और सब आप बना लोगे मुझे मालूम है, दो क्वेश्चन बताने के बाद। एक बताने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सब काम वही कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप दूंगा वो वर्ड प्रॉब्लम पर है, जो कथन पर आधारित होगा, वो थोड़ा अलग ढंग का होगा, उसमें त्रुटि का भी कैलकुलेशन करेंगे। तो दो पार्ट में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ओके, थैंक यू।